अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज असी बनाउण लगे हां हरियां मिर्चां दा सालन, हैदराबादी सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार हुंदा वा। इहदे वास्ते सानूं चाहिए थोड़े जे मसाले। सब तो पहले असी मूंगफली लई है 50 ग्राम, तो इनू असी हल्का फ्राई करांगे, हल्की आंच दे उत्ते हल्का जिहा रोस्ट कर लेना। जदों मूंगफली तकरीबन रोस्ट हो जाए तो फिर ये असी तिलां दे बीज जिहड़े आ उह 3 खाने दे चमचे पावांगे, तो उन्होंने भी हल्का जिहा रोस्ट कर लाँगे। इस तों बाद असी मेथी दाणा लिया वा 1 चाय का चमचा, तो 1 चाय का चमचा लिया राई दाणा। राई दाणा तुहानूं सारिआं नूं पता ही है जिहड़ी कि सरों हुंदी, काली सरों, तो इन्हां नूं भी हल्का जिहा रोस्ट करके तो कढ लैणा। इस तों बाद असी सारे मसाले जिहड़े आ उह पा के ग्राइंडर दे विच ते पाउडर बना लाँगे। सारे मसालों का असी पाउडर बना लिया। इस तो बाद असी ना 3 खाने के चमचे लए आ तेल, कुकिंग ऑयल, तो ये हरिया मिर्चा पा के ते हल्का हल्का फ्राई करना, हल्की आँच के उत्ते, ना ही कच्चिया रहन ते ना ही ज़्यादा सड़ जाए, हल्का जिहा फ्राई करना बस, थोड़े थोड़े जिदा कि कहें होंगे अपना चिब जे नहीं पै जाते, इदा का बना लेना। तो इस तो बाद असी मिर्चा फिर कढ लवेंगे। मिर्चा साड़ियाँ तकरीबन जड़िया ने फ्राई हो चुकिया ने, दब्बे पै गए हैं हौले हौले, तो चिब भी पै गए हैं। हुण असी मिर्चा तेल चो कढ लेना प्लेट दे विच, ते इहदे इसे तेल दे विच फिर असी प्याज फ्राई करांगे। प्याज असी एक दरमियानी साइज़ दा लवेंगे, तो उन्हूं बारीक बारीक कट लेना। प्याज नूं भी हल्का जिहा फ्राई करना वा, ज़्यादा लाल नहीं करना। तो फ्राई करन तो बाद प्याज भी असी एक बर्तन दे विच प्लेट च काढ़ के इहनूं ठंडा कर लेना वा, तो फिर असी इहनूं ब्लेंडर जग दे विच पा के ब्लेंड कर लेना। जग दे विच प्याज पा लिया, तो इस तों बाद असी सारे मसाले जिहड़े पहले पीस के रखे हुए ने उह पावांगे, तो इहदे विच शामिल करांगे असी खोपरा, पीसा होया खोपरा 20 ग्राम, 20 ग्राम खोपरा पा के, ते विच थोड़ा जिहा असी अद्धा कप जिहड़ा वो पानी का भी शामिल कर लेना। यह खोपरा पा लिया असी, ते हुण अद्धा कप पानी का भी पा दिता, ते इहनूं थोड़ी देर असी चलावांगे, तकरीबन 1 मिनट ही चलेगी तो यह पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बना लिया, तो हुण असी उस पहले जिन्हां च प्याज फ्राई किया सी उसी तेल दे विच असी अदरक ते लसण दा पेस्ट 1 खाने दा चमचा शामिल करके ते इहनूं फ्राई करांगे हल्का जिहा। जदों फ्राई हो जावे ते फिर इहदे विच शामिल करांगे असी कलवंजी 1 चाय का चमचा, कलवंजी शामिल कर लईए, ते इस तों बाद 1 खाने दा चमचा पीसा होया सुक्का धनिया। सारे मसाले फ्राई हो गए ने, तो हुण इहदे विच शामिल किया पहले जिहड़ा असी मसाला तैयार किया सी, ते इस मसाले नूं पेस्ट नूं अच्छी तरह भुन लवेंगे, तो जदों तेल छड़ दे तो फिर जग दे विच जिहड़ा मसाला रह गया सी वह भी असी पानी पा के ते उहनूं धो के विच पा लिया, फ्राई पैन च पा लिया, ते तेल छड्डण तक असी फ्राई करांगे। एक चाय का चमचा नमक शामिल किया, तो 1 चाय का चमचा हल्दी। मसाला साडा जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तों बाद असी शामिल किया 1 कप दही का, फेंट के अच्छी तरह इनू फेंट लेना, तो फिर वो शामिल कर लेना। तो थोड़ी देर इनू पकाने तो बाद इहदे विच हरिया मिर्चा जिहड़ियां असी पहले ही फ्राई करके कढ लईआं सी वह शामिल करांगे। मिर्चा शामिल करके असी थोड़ी देर वास्ते पकावांगे, तो उस तो बाद इनू ढक्कना लगा के ते तकरीबन 5 मिनट दम देवांगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम ते हल्की जिही आँच दे उत्ते 1 टुकड़ा अद्धा नींबू जिहड़ा ना वह भी असी इहदे विच निचोड़ लेना। इहदे नाल इहदा टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता, तो नाले ख़राब भी नहीं होंदा। बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो गया है, तो तुसी भी ये रेसिपी जरूर बनानी है, तो फिर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसना भी है कि ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनी है। इनू चावल, बिरयानी,
पराठा जां रोटी किसी दे नाल वी इह सालन खाया जा सकता है, बहुत ही मज़ेदार हुंदा है। जिहड़ा वी एक वारी खांदा है उहदी दुबारा फरमाइश जरूर करदा है। ते सर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि आने वाली हर वीडियो जिहड़ी है बरवक्त तुहाडे तक पहुँचे। दुआ च याद रखना, अल्लाह हाफिज़।